हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे टेबल याद करने के ट्रिक, जो आप 100 तक बड़ी आसानी से टेबल याद कर सकते हैं एक ट्रिक के हेल्प से, 1 to 100 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए 9 का टेबल लिखकर देखते हैं। अब हम पहले 0 से लेकर 9 तक की काउंटिंग लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब हम ठीक इसका अपोजिट कर देते हैं, मतलब इसकी उल्टी काउंटिंग लिख देते हैं। तो अब हम 9 से लेकर 0 तक लिखेंगे। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को लिख देंगे, मतलब इन दोनों को ऐसे ही कर लिख देंगे। 0 9, 0 से कोई मतलब नहीं होता, हम 0 हटा भी सकते हैं। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18, यहाँ 27, यहाँ 36, 45, 54, 63, 72, 81, यहाँ पर कितना जाएगा, 90। तो देखिए कितने अच्छे से, मतलब कितने जल्दी हमने 9 का टेबल तैयार कर लिया। देखिए 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, 9 10 90। तो चलिए अब हम 13 का टेबल लेकर देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, 1 का टेबल लिखेंगे। 1 का टेबल मतलब 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग। 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 3 का टेबल लिखेंगे। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30। अब यह देखिए, जो हम 3 का टेबल लिखे हैं वो भी 1 डिजिट का है, और जो हम 1 का टेबल लिखे हैं वो भी 1 डिजिट का है। तो हम इसका मतलब जहाँ 1 डिजिट का है वहाँ तक हम वही लिखेंगे, मतलब एरर नहीं करेंगे। हाँ वही लिखेंगे, 13, यहाँ पर भी वही, यहाँ भी वही लिखेंगे। फिर अब जो 3 का टेबल है वो 12 है, और जो 1 का टेबल है वो 4 है। तो हम पहले 4 और 1 को ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 5। और जो हमारा 2 है, जो 1 से हमारा 3 का टेबल में जो 1 है वो हम वही सेम हमारा रहेगा, तो हम लिखेंगे वही। देखिए 2 भी यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, मतलब उसी को सेम लिखते हैं। 5 1 6, यहाँ वही लिखेंगे। ये कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा। और ये देखिए, इसमें जो 3 का टेबल है वो भी 2 डिजिट है, और 1 का टेबल भी हमारा 2 डिजिट है। तो पहले हम क्या करेंगे, 0 और 3 को ऐड करेंगे, 3 हो जाएगा। फिर जो हमारा 1 है, अरे मतलब जो 1 है वो यहाँ लिखेंगे, और जो 0 है वो सेम ही हमारा रहेगा, वो यही लिखेंगे। तो देखिए हमने 13 का टेबल कितनी आसानी से लिख लिया। 13 1 13, 13 2 26, 13 3 39, 13 4 52, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 8 104, 13 9 117, 13 10 130। तो चलिए अब हम 19 का टेबल लिखते हैं। पहले हम 1 का टेबल लिखेंगे, यानी कि 10 तक काउंटिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब हम 9 का टेबल लिखेंगे। 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 73, 9 9 81, 9 10 90। अब हम क्या करेंगे, 1 डिजिट है दोनों, तो इसका मतलब वही लिखेंगे, 19। अब ये 2 डिजिट हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2 और 1 को ऐड करेंगे, 3, और ये जो हमारा 1 है वो वही रहेगा, 38। ये कितना हो जाएगा, 57। ये कितना हो जाएगा हमारा,
76, ये 5 एंड 4 कितना हो जाएगा 9, 95, 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, 4, 76 हमारा कितना आ जाएगा 13, और ये 3 वो लिखेंगे। फिर उसके बाद 8 एंड 7 कितना हो जाएगा 15, 15 और 2 और वही रहेगा। फिर उसके बाद 9 एंड 8 कितना हो जाएगा 17, और फिर 1 ये वही लिखेंगे। फिर उसके बाद 0 एंड 9 ऐड कर देंगे, हमने आपको बताया था, और ये जो 1 है 0 है वही लिखेंगे। देखिए 19 का जो टेबल होता है, ये 1 टिक तो हमारा हो गया, लेकिन 19 का टेबल लिखने के लिए 2 ट्रिक होते हैं। टेबल याद करना इतना भी कठिन नहीं है, अगर एक बार आप टेबल अपने माइंड में बैठा लिए तो दो बार रिवीजन कर लिए तो आपको वो टेबल हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलिए पहला ट्रिक तो हम आपको बता दिए, अब हम दूसरा ट्रिक बताते हैं। 19 का टेबल लिखना है तो सबसे पहले हम ऑड नंबर लिखते हैं 19 तक, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। अब हम क्या करते हैं, 9 से लेकर 0 तक की रिवर्स काउंटिंग लिखते हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। देखिए हमारा 19 का टेबल तैयार हो गया। 19 वन जो 19, 19 टू जो 38, 19 थ्री जो 57, 19 फोर जो 76, 19 फाइव जो 95, 19 सिक्स जो 114, 19 सेवन जो 133, 19 एट जो 152, 19 नाइन जो 171, 19 टेन जो 190। जो ट्रिक इन दोनों में से आपको अच्छा लगेगा वो ट्रिक आप याद रखिएगा ताकि आप आसानी से 19 का टेबल लिख सकें। तो चलिए अब हम 31 का टेबल लेकर देखते हैं। पहले हम 3 का टेबल लिखेंगे, 3, 3, 3, 2, 6, 6, 9, 4, 12, 3, 5, 15, 3, 6, 18, 3, 7, 21, 3, 8, 24, 3, 9, 21, 3, 10, 30। अब हम 1 का टेबल लिखेंगे, यानी कि 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये 1 डिजिट है दोनों, तो हम इसका मतलब वही लिखेंगे, 31, 62, 93। देखिए उस बार हमारा कैसे था कि इधर का जो टेबल था वो 2 डिजिट में था और इधर का टेबल हमारा 1 डिजिट में था, तो इस बार जस्ट अपोजिट हो गया है। इधर का टेबल हमारा 1 डिजिट में है और इधर का टेबल हमारा 2 डिजिट में है। तो अगर इधर का टेबल अगर हमारा 1 डिजिट का होता है और इधर का 2 डिजिट का होता है तो इसका मतलब हम वही लिखते हैं, मतलब उसको मिक्स कर हम वही लिखते हैं, एक साथ में वही लिखते हैं। देखिए 124, इधर भी 1 डिजिट है तो इसलिए हम इसका मतलब वही लिखेंगे, यहाँ तक हम वही लिखेंगे। 155, 186, 217, 248, 279। और देखिए हमने आपको बताया था 0 1 ऐड करेंगे यहाँ 1 आएगा, फिर उसके बाद हम यहाँ पर 3 लिखेंगे और फिर यही 0 हम लिख देंगे। तो देखिए हमने कितनी आसानी से 31 का टेबल यहाँ पर लिख लिया, वो भी हमें ऐड भी नहीं करना था, सिर्फ हमें लिखना था। तो चलिए अब हम 63 का टेबल लेकर देखते हैं। 63, इसके लिए पहले हम 6 का टेबल लिखेंगे। 6, 1, 6, 6, 2, 12, 6, 3, 18, 6, 4, 24, 6, 5, 30, 6, 6, 36, 6, 7, 42, 6, 8, 48, 6, 9, 54, 6, 10, 60। अब हम 3 है तो अब हम इसके लिए 3 का टेबल लिखेंगे। 3, 1, 3, 3, 2, 6, 3, 3, 9, 3, 4, 12, 3, 5, 15, 3, 6, 18, 3, 7, 21, 3, 8, 24, 3, 9, 21, 3, 10, 30। देखिए 1 डिजिट है, हमने आपको बार बार बताया, हर एक टेबल में हमने आपको बताया था कि अगर 1 डिजिट आएगा तो वही लिखेंगे, वही लिखेंगे।
इसमें देखिए ये 2 डिजिट है, ये 1 डिजिट है, हमने आपको बताया था 31 के टेबल में, जिसको हम वही लिखेंगे 126, इसमें वही लिखेंगे 189। देखिए जैसे हम यहाँ पर 2 डिजिट था तो ये और ये ऐड करते थे और ये हमारा सेम रहता था, उसी तरह यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब वही करेंगे, वही चेक लगाएंगे। 4 and 1 कितना हो जाएगा 5, तो इसका मतलब ये और ये सेम रहेगा, 2 5 2, 0 1 3 1 5, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 7 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 2 4, 4 4 1। देखिए आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि अरे इसको करेंगे तो 1000 में चला जाएगा, लेकिन नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, पहले हम 2 में 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 होगा, तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे और ये 1 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है, और ये 50 पहले हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है 50, और फिर 4 जो हमारा 4 है उसको तो हम सेम ही लिखेंगे, हम आपको बताए थे, तो कितना आ जाएगा 504, यहाँ पर कितना आ जाएगा 567, यहाँ पर कितना आ जाएगा 630। तो चलिए अब हम आपको 98 का टेबल बताते हैं, 98, तो इसके लिए सबसे पहले 9 है तो हम 9 का टेबल लिखेंगे, 9 1 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36 9 5 45 9 6 54 9 7 63 9 9 8 70 2 9 9 18 1 9 10 90। अब हम 8 का टेबल लिखेंगे, 8 1 8 8 2 16 8 3 34 8 4 32 8 5 40 8 6 48 8 7 56 8 8 64 8 9 72 और 8 10 80। ओके 1 डिजिट है तो ये लिखेंगे 98। अब ये दोनों 2 डिजिट है तो हम आपको बताए थे 8 और 1 ऐड कर देंगे, बेटे पहले वही लिख दिए, तो ये दोनों 2 डिजिट है तो हमने आपको पहले बताया था 8 और 1 ऐड कर देंगे, तो यहाँ कितना होगा 196, यहाँ पर कितना हो जाएगा 294, 6 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9392, 5 में 4 ऐड करेंगे 9490, यहाँ पर 448 588 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 and 3 कितना होता है 8 6 8 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 8 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 8, तो ये 8 है 8 8 2, 9 लिखेंगे 0 में ऐड करेंगे 8, फिर उसके बाद यहीं पर 0 लिख देंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको मेरी हर एक नई वीडियो जो हम डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।